टॉपिक 5.2 विच इज मैस ऑफ द अर्थ। इसमें हमने मैस ऑफ द अर्थ की जो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज कंसीडर करें कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है जिसका मैस m है, अर्थ का मैस me है। इनका जो डिस्टेंस है वो रेडियस r के इक्वल है, ठीक है, और ये जो इसका वेट है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। अब देखिए जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करेगी वो हमने पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई ओवर आर स्क्वायर आ जाएगी। अब देखें चूंकि फोर्स क्या होती है हमारे पास वेट के इक्वल होती है, चूंकि ये वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, ये देखें तो वेट हमारे पास इक्वल होता है एम जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम एफ की जगह एम जी को प्लेस कर दें यहाँ पे एम जी लगा प्लेस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ये रिलेशनशिप 5.3 हमारे पास आ जाएगा सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यहाँ पे एफ क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो चूंकि हमने मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से मैस की वैल्यू अर्थ की फाइंड करने के लिए मैस ऑफ अर्थ को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी टर्म्स को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड साइड पे, जबकि ये जी जो है मल्टीप्लाई हो रहा तो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास एम ई की जो फॉर्मूला बन जाएगा मैस ऑफ द अर्थ, तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, और ये ग्रेविटेशनल जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है जी। अब हमने जो वैल्यूज मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में 5.7 में। तो रेडियस की वैल्यू ये हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10^6 मीटर, इसका स्केयर आ जाएगा मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर होती है ओवर जी, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.0 मल्टीप्लाई 10^24 के जी। सो डेट वॉज द मैस ऑफ द अर्थ, डेट्स व्हाट फ्रॉम टूडे।